गांव में अक्सर लोग बहुत कम बीमार पाए जाते हैं। क्या कहें, या तो वहाँ की आबोहवा ऐसी होती है, या फिर वहाँ का जो खान पान होता है वो ज़्यादातर अपने घर का व्यंजन ही पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही लोग शहर में कदम रखते हैं तो बीमारियों की तो एक लंबी फहरिस्त हो गई है, ऐसा क्यों? और देखिए, सबसे ज़्यादा जो इंसान को ज़रूरत है वो दो चीज़ों की है। जी एक तो शुद्ध खाना और एक शुद्ध हवा, ये आदमी की खुराक है। और ये दोनों चीज़ें गांव में पाई जाती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा एक गांव में मेरा घर है और उस घर के पीछे आम का बाग है। और उसके ऊपर बहुत सारे घर के ऊपर ड्रम रखे रहते हैं। अच्छा, ये शहर की तरह नहीं है कि मल्टी स्टोरी है, एक ही मंजिल है, वहाँ दो कमरे बने हुए हैं, तो फैक्ट्री है, उसमें दो रूम भी बना दिए हैं। तो मैंने ये सोचा कि अब गर्मी पड़ रही है, अभी 15-20 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, इतनी गर्मी पड़ रही है तो गीजर का पानी ठीक नहीं है, जो पानी नेचुरल आ रहा है उसी से नहा लूँ, और वो भी बहुत गर्म हो जाता है, टंकी में पानी बहुत गर्म हो जाता है। तो मैं वातावरण की बात बता रहा हूँ कि मैं बाथरूम गया और मैंने सोचा कि इस पानी से नहा लें, गर्म तो है ही, गर्मी इतनी पड़ रही है, 15 दिन की पहले की बात है। मैंने पानी खोला शावर, तो उसमें कुछ पानी गर्म आया, जो पाइपलाइन में पानी था वो गर्म आया, और उसके बाद जो ठंडा आना शुरू हुआ तो मुझे हैरत हुई कि जो 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सिर्फ एक बाग होने से, मेरे घर के पीछे सिर्फ एक बाग होने से टंकी का पानी गर्म नहीं हुआ था, वो ठंडा था, और ऐसा ठंडा था कि मुझे नागवार हो रहा था। तो ये हुआ वातावरण। अब वातावरण हम अपने शहर के, यहाँ दिल्ली के मकान में, अगर रात तो छोड़िए, दिन तो छोड़िए, धूप तो छोड़िए, सुबह को भी अगर वॉशरूम का पानी देखें तो गरम गरम आता है। तो यहाँ वो वातावरण नहीं है, हम एक फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट पर फ्लैट, फ्लैट पर फ्लैट, और पेड़ कहाँ हैं, बाग तो छोड़िए, पेड़ ही नहीं है। तो जहाँ इतने पेड़ हों तो वहाँ हवा शुद्ध मिलनी लाजिम है, कि पानी तक उसने गर्म नहीं होने दिया, वहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा कम रखता होगा ज़रूर। और ये एक तो ये, फिर गांव वाले असली चीज़ पर मरते हैं, थोड़े कंजूस होते हैं, लेकिन किसी के पास थोड़ी ज़मीन है तो वो कुछ सब्जियाँ बो लेता है, बेच भी देता है और खाने में भी इस्तेमाल होती है, और हर चीज़ से डीप वाकिफ है। वहाँ ये तो है नहीं कि ऑर्डर कर दिया और चीज़ आ गई और पता नहीं कैसी है, वहाँ हर चीज़ आदमी, अगर उसे धनिया चाहिए तो या तो खुद पीसता है या जाकर अपने नज़र के सामने पिसवाता है, अगर उसे दूध चाहिए तो वो वहाँ से लाता है जहाँ पर दूध उसके सामने, नज़र के सामने काढ़ रहा है। तो दूध जैसी चीज़ भी हमें असली नहीं मिल पाती, तो शहर में खाना खाने खाते हैं, उसमें क्या कुछ हम खा लेते हैं, उससे हमारा यानी जिस्म का निज़ाम, एक तो हवा यानी ऑक्सीजन ख़राब मिल रही है, प्रदूषित मिल रही है, और खाना प्रदूषित मिल रहा है, तो हमारी सेहत ख़राब होना तकरीबन तय है। जी, पंजाब से हैं छतर सिंह रावत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, नमस्कार सर। मेरे को एक तो कंप्यूटर, हाँ जी बोलिए। कब्ज बहुत ज्यादा रहती कब्ज है। मैंने रहती जज है जैतून का सिरका भी नमक मंगाया था, जी। हेलो, ठीक है, कुछ बेहतर हुई, कुछ बेहतर हुआ आपका कब्ज? थोड़ा फर्क तो पड़े,
ठीक है ठीक है जी। अच्छा देखिए, कुछ इलाज दवाओं से और कुछ गिजाओं से करना चाहिए। गिजा मतलब जैसे आजकल बेल पत्थर आ रही है, पत्थर बेल सभी जानते हैं रावत साहब, तो इसका शरबत खूब पिया करिए, बहुत फायदेमंद है। दुनिया में ऐसी कोई गिजा नहीं जो आपके पेट के निज़ाम को अच्छा कर दे सिवाय ये बेल पत्थर। ये आपकी आंतों को मांज देती है और आंतों पर अगर खुश्की आ जाए तो सिर्फ ये एक गिजा ऐसी है बेल पत्थर जो उसकी आंतों की चिकनाई वापस ले आती है। आंतों की चिकनाई ख़त्म होने से हमें कब्ज रहना शुरू हो जाता है। तो ये एक दो महीने आपको बेल पत्थर मिलेगी, खूब इसका जूस पिया करिए और पानी में मिलाकर और जूस बनाया जाता है, आजकल बाज़ारों में भी मिलता है, लेकिन आप ये खूब सारा शरबत इसका बना के भी रख लीजिए। चाशनी में इस बेल को मिलाकर उबालकर और छान के रखा जाता है, तो ये कई महीने के लिए रख लीजिए बोतलों में भर के और फ्रिज में रख दीजिए। फिर ये पीते रहिए 3-4 महीने, इतना बना लीजिए कि 3-4 महीने पी सकें। ये एक अच्छा इलाज है। फिर आड़ू आया हुआ है, आड़ू खूब खाइए, कसरत से खाइए आड़ू, और 1 चम्मच कैस्ट्रोल ऑयल, ये अरंडी का तेल को कहते हैं कैस्ट्रोल ऑयल, तमाम मेडिकल स्टोर्स पर मिलता है। 1 चम्मच या 2 चम्मच गर्म दूध में मिलाकर, खूब गर्मा गर्म दूध में मिलाकर पी लिया करिए, आपको फायदा होना मुमकिन है। कमलेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। सर मेरे को ना एक मेरा गोल ब्लैडर भी निकला हुआ है, 18 साल हो गए सर। और मेरा बाल शरीर का ऑपरेशन भी हुआ सर, ये हो गए 29 साल। किसका ऑपरेशन? ऑपरेशन किस चीज का हुआ है मैम? बवासीर का सर। जी बवासीर। हाँ जी सर, 29 साल हो गए सर, उससे ही मेरी ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है कब्ज की। और मैं बस पूछो मत सर, मैं इतनी परेशान हूँ। कल मैंने फोन किया सर, मैं बता ही नहीं पाई कुछ भी। आज भी मैं ट्राई कर रही हूँ भाई मैं बात करूँ। तो कब्ज की शिकायत हो गई आपको? हाँ जी। और मेरा ये पेन भी था, मैंने कल बताया सर, यहाँ से कुछ दवाइयाँ भी मंगवाई हैं, और मेरे वो थायराइड भी है सर। ठीक है ठीक जी। हाँ जी, थायराइड है सर, और ये दिक्कत है सर्वाइकल की, और एक ये एक पाँव में पेन बहुत ज्यादा रहता है सर। बेल का शरबत पिया करें जिनके पेट में प्रॉब्लम हो। बेल का शरबत दूध में मिलाकर भी बनाया जा सकता है, पानी में मिलाकर भी, खूब पिया करें और इसका शरबत तैयार करके रख लें चाशनी के साथ, चीनी के साथ, तो कई महीने के लिए भी आप इसे तैयार करके फ्रिज में रख दें और रोज़ पिया करें। ये दुनिया की बेहतरीन गिज़ा है, दवा कह लीजिए या गिज़ा, जो हमारी आंतों को मांज देती है और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर देती है। आड़ू खाइए खूब, 1 चम्मच कैस्ट्रोल ऑयल दूध में मिलाकर पी लिया करें रोज़ाना, गर्म दूध में, याद रखें वो गर्म दूध हो, इससे भी आंतों को बहुत राहत होती है और बवासीर ख़त्म होती है और लैट्रिन आसानी से होती है। फिर दर्द है आपको, सर्वाइकल है, सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज जो मैं बताता हूँ फिर बता देता हूँ। ऐसे बैठे और ये एक्सरसाइज ये 3 मिनट या उससे ज़्यादा करें रोज़ाना, फिर ऐसे ऐसे, देखिए ये ठोड़ी मोड़ के मैंने यहाँ तक लिया है, ऐसे ये 3 मिनट रोज़ करनी है, एक साथ नहीं कर पाएंगे, पूरे दिन में 3-3 मिनट ये दोनों एक्सरसाइज किया करिए। कैसा सर्वाइकल आप देखेंगे कि अगर 10 दिन भी आपने लगातार की तो सर्वाइकल ढूंढना पड़ेगा कहाँ गया, लेकिन आप 10 दिन से ज़्यादा करें, हमेशा भी कर सकते हैं इससे, एक्सरसाइज से यहाँ जो नसें दबी होती हैं वो सब अपनी जगह पे आ जाती हैं, डिस अपनी जगह पे आ जाते हैं और आपका दर्द जाता रहता है।
पैरों में दर्द, गौंसिया आधा आधा ग्राम दो बार खाने के बाद दूध के साथ लें। अपना बहुत ख्याल रखें, आप बहुत कीमती हैं, और ये सब करें और फिर जब आपको फ़ायदा हो तो फीडबैक कॉल करें, ये बताने के लिए कि भगवान ने आपको कितना फ़ायदा दिया।